Welcome back again, my lovely audience. Today I will show you the beautiful Kashmir Valley while going to Sonmarg. आज मैं आपको बेहद ही खूबसूरत कश्मीर वैली दिखाऊंगा सोनमार्ग के रास्ते जाते हुए। बने रहिए मेरे साथ पूरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं आज आपको कुछ बढ़िया फैक्ट्स बताऊंगा, लाइक मिशन कश्मीर की शूटिंग, पॉश एरिया ऑफ कश्मीर और सबसे महंगा ऑर्नामेंटल ट्री कौन सा है। सो लेट्स बिगिन दिस ब्लॉग विद वाइट कोट मेवरे। अचानक से टेम्परेचर गिर गया यहाँ पे। सोचे हो ये उन माउंटेन के नीचे से आए हमें। ये 3 दिन की छुट्टी थी यार, बाहर लगी धूप यहाँ पे खाती। उससे एक दिन पहले निकला है, देखो जम गया, कितनी ठंड है बाहर, मजा आ गया नहीं सच में। गोला बनाएंगे, गोला आँख आँख आँख, लो स्माइली बन गया मस्त वाला। इतनी ठंड हो रही है, ऐसी नहीं चल रही गाड़ी में, बाहर ठंड है बहुत। कश्मीर में चल रहा हम आ चुके हैं कश्मीर में। ये मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ये पूरा इलाका होटल्स का है, पूरी ये लाइन से लग के होटल है और पीछे ही डल लेक है। अब यहाँ पे हमने होटल ले लिया है, गेस्ट हाउस लिया है, काम चलाओ कह लो, रुक नहीं तो होता है, सोना ही होता है। और यहाँ पे बहुत ठंड है, ठीक है, तो अब मिस कर दे रहा हूँ गुलमर्ग, सोनमर्ग चले जाएगा। देख नहीं रहा होते निकल रहा है तो बहुत ठंड है यहाँ पे, कप कप भी हो रही है मेरे को। अब हम गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, अपना सोएंगे, सिर्फ कश्मीर यानी श्रीनगर घूमेंगे हम अपना पूरा, उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे। अच्छा था बाहर का एपिक व्यू, देखा निकलते ही लेक, लेक कह लो या क्या है, नहर टाइप ताकि जो डल लेक में जाके जुड़ जाती है। इसे क्या बोलते हो ये बोट को, बोट को क्या? शिकारा, हाँ मैं शकीरा बोल रहा था। अच्छा डल लेक में, ये है शिकारा यहीं पे। एक सेकंड रोको, एक फोटो ले दो यार, चार कुत्ते। थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है, क्या है चेंज ऑफ प्लान, कि हम गुलमर्ग ना जाके सोनमार्ग जा रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में गोंडोला राइडिंग मिल रही है, ऑलरेडी बुक्ड है 30 तक, इसलिए अभी हम सोनमार्ग जाएंगे, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह सब कुछ है, गुलमर्ग नहीं जाएंगे हम। फिर लौट के आके यहाँ पे श्रीनगर में देखेंगे राज में, और कल जाएंगे पहलगाम जो बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी के लिए पॉपुलर है, वहाँ पे वैली वगैरह देखेंगे। तो गुलमर्ग नेक्स्ट टाइम देखेंगे गोंडोला के लिए, और गोंडोला देखना है तो एक जगह पड़ती है, पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम था भैया, पतलकोटी था क्या था, पतली टॉप, वहाँ पे गोंडोला चलता है वहाँ पे भी। और गुलमर्ग में एक्चुअली बर्फ़ भी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे ज़्यादा है नहीं, और ऊपर जाने के ऊपर ही टॉप पे बर्फ़ मिलती है, 2 फेजेस में है वो,
जब अगली नेक्स्ट टाइम आएंगे तब बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ हम सोनमार्ग जाएंगे। सोनमार्ग में जोजिला पास है, खंजावारा, खंजावारा की खंजावरा है और अजीब सा नाम है, बहुत ग्लेशियर है वहाँ पे और वैली भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी है, हद से ज़्यादा बर्फ़ है। वहीं पे जा रहे हैं भैया। किला बना है ऊपर, हरी पर्वत बोलते हैं इसको, हरी पर्वत। आगरा में भी हरी पर्वत है। सारे किले जितने हम सब आर्मी के अंडर ही आते हैं। आगरा में आगरा फोर्ट है, वो भी आर्मी के अंडर आता है, उसका दो तिहाई हिस्सा। इस यहाँ का सबसे पास एरिया है, इसको बोलते हैं नगीन लेक। नगीन, हाँ, लेफ्ट में झील है, इसको बोलते हैं नगीन लेक, दिख रही है? हाँ हाँ, इसमें भी हाउस बोट है। हाँ, बो रखे कितने सारे। सबसे पास एरिया यहाँ का ये है डल लेक। एक पार्ट वो है मेन वाला, एक वो आते समय आपको दूसरे से दिखाऊंगा। एक पार्ट ये है, ठीक है। अभी इसको कैसे घूमे? इसको शिकारे पे घूमते हैं। एक गजब भैया देखो बोट है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको घुमा दूंगा यहाँ पे। कितने रुपये लेता है? रेट अलग अलग रहते हैं सर, 700, 800, 1000, 1200 पॉइंट के हिसाब से रहते हैं ना। चलो होटल वाला कह रहा था वो 500 में कह रहा था। वो किला बना हुआ पॉइंट के हिसाब से रहता है वो, मेरे को लेफ्ट में। हाँ, पॉइंट के हिसाब से पहाड़ 17 से 10 है, एकदम बढ़िया वाली। देखो आते थे ना, यहाँ यहाँ यहीं पर ठहर। ये चिनार के पेड़ है, ये वाले ना, ये इसको चिनार बोलते हैं। हाँ, वो मोहब्बत फिल्म देखी ना अपने शहर में, में नहीं गोल्डन कलर का पत्ता जो रहता है, इसी पेड़ का वो है। और बाहर की जो कंट्री है वहाँ पे लोगों ने अपने प्राइवेट लगाए हुए हैं इसको, इसको इसके नीचे बैठने के वो एक मिनट के हिसाब से पैसे लेते हैं। और यहाँ पे हार्ट पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए इसकी जो हवा रहती है, ऑक्सीजन वगैरह अच्छा रहता है इसका। क्या नाम बताया आपने? चिनार। चिनार, चिनार का पेड़ है। बहुत लगे कितना बढ़िया रहा एकदम। नेशनल इंस्टीट्यूट है ये, राइट तरफ एनआईटी श्री। हाँ अच्छा, ये एनआईटी श्री। बाहर के लड़के आपके वहाँ के भी यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, बहुत से कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मास्टर की टीचिंग के जो रहते हैं वो है बीएड कॉलेज है, काफ़ी है। एक एनआईटी और एक आईआईटी और एक एम्स। एम्स नहीं है, एम्स है, बन रहा है, बन रहा है। हाँ, जम्बू बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है। ये बसें कहाँ तक जाती हैं वाली? ये लोकल है यहाँ की। अच्छा, मिनी बस। Thank you.
ये सेव के पेड़ हैं, ये लगे सब लाइन से, जो भी पेड़ दिख रहा है इसमें दिख नहीं रहे, बंजर रुक चुके बेचारे। पीले पत्ते वाले, हाँ हाँ। मैं सेब के देखो सफ़ेद सफ़ेद फूल वाले, एक सेकंड पास से पास से बस ये ऐसे लगे मिलेंगे तोड़ दो। हाँ सेब के पेड़ हैं, यहाँ से अब सोनमर्ग 50 किलोमीटर है। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं पीछे और आपको एक एपिक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। किसके साइड वहाँ रुके हैं जब आ रही हैं, ये रोड गया है और ये देखिए सिंध नदी है ऊपर बड़ा है। कुछ नहीं बस पराठे हैं बड़े बड़े, अंदर कुछ है नहीं इनके। चाय मंगाइए, बाकी तीन ये बिस्किट। सुबह का नाश्ता चल रहा है बढ़िया। आ चुके हैं, मतलब यहाँ से 5-6 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ पे एक पार्क है छोटा सा साइड में, वो बना हुआ है और जैसे आपको आवाज़ आ ही रही है पानी की, बहुत अच्छा बना हुआ है। खाता हूँ अच्छे आए हैं सोचते हुए। नो पॉलीथन जॉन, ये देखो ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है, पानी से पूरी बर्फ ही बर्फ है। हेलो किसका इंतजार है यहाँ पे? 20 रुपये पर पर्सन की टिकट है, 80 रुपये की टिकट ले ली 4 लोगों की। पुल भी हिल रहा है, अरे भैया ठंड। इस पे चढ़ना नहीं, चढ़ना नहीं इस पे, ये बर्फ है, स्नो नहीं है, ये आइस हो चुकी है, बहुत फिसलनदार होती है, गलती से ही मत चढ़ना। चढ़ो तो आराम से चढ़ना, मम्मी तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलो अभी ये स्नो बनी है थोड़ी बहुत, अभी बर्फ़ बन नहीं पाई सही से, इसीलिए दब रही है, नहीं तो अगर स्नो बर्फ़ बन गई होती है दबती भी नहीं। देखो इतना बड़ा पत्थर दबा हुआ है, कितनी गहरी है ये, कह रही ना फिसलेंगे यहाँ पे। मैं क्या किसी से कम हूँ? मैं भी अम्मी कोद के यहाँ पे बर्फ को सख्त हो गई थोड़ी। मैं क्या कम हूँ? मेरे पास जो केसर का खुशबू है वो कभी धोने से खत्म नहीं होगा।
तो असली केसर होता है? असली केसर इसी का बना है, मेरा नहीं। हाँ नहीं, आपको ही बना इसका। इसको अगर 5 बार 10 बार पानी में वॉश करोगे सर, केसर लाल का लाल रहेगा, पीला कलर इसका कंटिन्यू आता रहेगा। इसको कितनी बार यूज कर सकते हैं? इसको एक ही बार, ये आपको इस पे पहचान। आप देखो, आप देखो। तो पीला पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पानी पीला ही होना चाहिए, केसर लाल रहना, पानी पीला। अच्छा, उसके बाद दिखाया, उसके बाद भी देख लेना इसका खुशबू, खुशबू देखना है। जैसे लाल हो जाता है, खुशबू देखना पूरा, देखो प्याले का खुशबू। वो चीज़ नहीं, चीज़ हमारा घर का, हम खेती करते हैं, खुशबू तो सही है, वो देना है। और हमारे से फायदा एक चीज़, अगर आप दुकान से 50 ग्राम भी लोगे 50 ग्राम देगा, हमारे से 10 ग्राम लोगे उसमें 12 ग्राम मिलेगा, 10 ग्राम का पैसा 2 ग्राम का पैसा। हल्दी, हल्दी से खुशबू क्यों आ रही है? हाँ हल्दी सी, हल्दी सी नहीं, केसर का खुशबू। अरे केसर खुशबू, हल्दी भी देखते हो? तो देख ही सकते, जो पानी आ रहा है इस नदी का मुझे नाम नहीं मालूम, पूछ के बताऊंगा। ये सामने ग्लेशियर है पूरा, उसके नीचे से पानी आ रहा है, और ये ही है। तो वो देखो पीक ऊपर, ये पार्क बना हुआ है अच्छा सा साइड में, यही है। हम मिलते हैं सोनमर्ग में, सोनामर्ग। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि आपको ये वाइट वाइट पूरा एरिया जो दिख रहा है, ब्यूटीफुल अमेजिंग, दिल को सुकून देने वाली जो सीन भी आपको दिख रही है, ये है सोनमर्ग। तो बने रहिए मेरे साथ, यानी कि वाइट कोड मैवरिक के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में सोनमर्ग के साथ, यानी कि सोनमर्ग में, जहाँ पे हम देखेंगे बजरंगी भाईजान की शूटिंग कहाँ पे हुई थी, थाजीवास ग्लेशियर देखेंगे, और हम बाइक भी चलाएंगे, स्नो बाइक जिसे कहते हैं, स्नो में भी। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।